हाय फ्रेंड्स, इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से एक न्यू इमेज ले रहे हैं उसके साइड पे आप फ्रेम किस तरह से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक इमेज लेना है, उसके बाद वो आप उसके व्यू में जाके न्यू ग्रिड लेके उसके 50px हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ साइड पे आपने लेनी है। दोनों साइडों पे 50px के आपने ग्रिड लेके लेफ्ट 50px वर्टिकल, 50px हॉरिजॉन्टल और 50px आपने बोथ फोर साइड पे लेनी है। और इसके बाद प्रॉपर तरीके से जब सेट कर लेंगे सारी ग्रिड लेआउट, उसके बाद एक रेक्टेंगल लें, शेप पे जाएं, रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करके और इसे प्रॉपर फ्रेम की शक्ल में लेके आए, जिस तरह से जैसे आपके ग्रिड के इनसाइड पे आपका सारा का सारा शो होना चाहिए। आपका फ्रेम अच्छे तरीके से सेट करके उसका जो आउटसाइड पे इसके स्ट्रोक है उसका साइज़ इंक्रीज कर दें, प्रॉपर सेट कर लें। उसके स्ट्रोक का साइज़ जितना आप लोगों ने करना है सेट करके ऐसे सेट कर लें, इसकी हाइट और विड्थ वगैरह एडजस्ट कर लें। इसके बाद आपने करना है अपने पिक्चर पे क्लिक करना है, जो मेन पिक्चर होगी उस पर क्लिक करके आपने मास्क लेना है। अपने पिक्चर पे क्लिक करके जो आपकी रेक्टेंगल होगी उस पर उसके थंबनेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंट्रोल प्लस करना, पहले अपने कंट्रोल प्रेस करना है अपनी पिक्चर पे, ओरिजिनल पे क्लिक करके अपने ओरिजिनल पिक्चर पे क्लिक करना है। पहले अपने ओरिजिनल पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे वो हाईलाइट होगी इस पर कंट्रोल, ये इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपकी पिक्चर होगी वो सेलेक्ट होगी, ओरिजिनल पिक्चर सेलेक्ट होगी और फिर उसी जगह पे कंट्रोल क्लिक करके जो रेक्टेंगल आपने बनाई है उसके थंबनेल पे जाके आपने क्लिक करना है ताकि वो हाईलाइट हो जाए। जैसे क्लिक करेंगे वो रेक्टेंगल आपकी हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद आपने मास्क लेना है, मास्क लेंगे तो